तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ के सो कॉल्ड, इन लोगों के हिसाब से स्टीम वेल, मैं भी श्योर नहीं हूँ। अभी कितना डीप है ये तो बोलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग भर रहे हैं 3 माइल। यहाँ पे एक सुनसान रेलवे स्टेशन है, बहुत ही सुनसान, जहाँ शायद ही कोई कभी कोई ट्रेन रुकता है। उस स्टेशन में वहाँ का स्टेशन मास्टर को छोड़ के शायद ही किसी को देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे हमें अगर कोई देखने को मिल गया तो वो हमारी किस्मत। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक मेरा एकदम मुंह के ठीक सामने ही है, तो इससे वॉइस सही से आ ही जाएगा। तो कैमरा मैंने वैसे हेलमेट से खोला नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सीधा सीधा पूरा पूरी आपको देख के DDLJ का वाइब्स आएगा। क्या हो क्यों और नाइस, एनी मैसेज इन इंग्लिश? इंग्लिश यस, ओनली इन आई इंग्लिश। डोंट नो इंग्लिश ब्रो, पहले मुंह छुपा लेते हैं उसके बाद तभी भी ट्राई करो इंग्लिश। इंग्लिश। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड। मतलब ऐसे माइक में बोलने के वक्त मुझे कॉलेज की बहुत याद आ जाती है, क्योंकि जब हम लोग हमारे रेडियो के प्रोजेक्ट्स वगैरह करते थे तब एकदम बेस वाला वॉइस में हमें बोलना पड़ता था। इंट्रो मुझे अभी भी याद है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपका RJ आकाश, और आप सुन रहे हैं रेडियो मिस्ट्री। कुछ ऐसा ही टाइप का मैंने इंट्रो लिखा था। स्टेशन तो एकदम मुझे खाली ही दिख रहा है, छोटा सा स्टेशन है। ₹10 दे टूट चुके वो 5 टका लड़ा भाई। तीन माइल हार्ट माई थिंक यू आर लाइन बट फॉर मी जस्ट यू आर बिग क्रिएशन। चाबी चार दे दो। हाँ तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है, ये कुछ बंदर पार्टी के मेंबर्स को छोड़ के। ट्रैक्स खाली, स्टेशन खाली, कोई नहीं, लॉकडाउन लॉकडाउन, यहाँ पे एनी टाइम लॉकडाउन रहता है। थोड़ा चिल्ला के बोलूँगा क्योंकि अभी मैंने बहुत दिनों के बाद मेरा जो सेल्फी स्टिक मोनोपॉड है मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, तो उसी के वजह से कैमरा थोड़ा दूर है। कॉशन 25,000 वोल्ट। तो आप लोगों ने गाना सुना होगा, लगे 440 वोल्ट। तो यहाँ पे 440 वोल्ट का कोई सीन नहीं है, पर 25,000 वोल्ट का सीन है। ट्रेन आ रहा है, ट्रेन तो यहाँ से तो अभी हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि मेरे एक लोग के हिसाब से यहाँ पे एक स्टीम वेल है, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है। वैसे ये लोग बोल रहे थे एक बार जाके उसका हल्का सा झलक लेके आ जाते हैं। चलो रे, चलो
प्लीज मैन। अभी बस शाम होने ही वाली है, जिसकी वजह से ये जो धूप है जब चेहरे पे पड़ रहा है बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है फिल्टर। तो जितने भी एग्जैक्टली फिल्टर, तो जितने भी वो सन किस्ट वाले इमेजेस आप देखते हो देखते होंगे इंस्टाग्राम में, सब ऐसे ही सनलाइट में लिया जाता है। ये हम लोग का एक सस्ता इंस्टाग्राम मॉडलों पे खड़ा है रेल की पटरियों पे। चल रही लज्जा बच्चीस करो भाई। डॉक्टर सैम व्हाई आर यू सो शाय? क्या किया बोलते हैं यहाँ पे कुरकुरे गिरा के? तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ के सो कॉल्ड, इन लोगों के हिसाब से स्टीम वेल, मैं भी श्योर नहीं हूँ। ओ भाई ये किसी एक तरह का कुआं है। अभी कितना डीप है ये तो बोलना मुश्किल है। यहाँ पे मुझे कोई पत्थर भी नहीं दिख रही है वैसे। डर भी लग रहा है। निकलते हैं यहाँ से। मैं उधर से ही जाऊंगा, यहाँ से जाके फायदा तो एक क्या। गंदा क्यों कर रहा है भाई? इतना साफ सफाई रखा है यहाँ के किसान लोगों ने, क्या गंदा? क्या कर रहे हैं सब? उठाओ एंटी मोदी, एंटी स्वच्छ भारत अभियान। वेस्ट बेंगलের লোক কি বলেছে জানো? কি বলেছে? বলেছে চপ খাও, চপ শিল্প তৈরি গড়ে তুলুন। ঠিক আছে ভাই, তোমাদের মতন লোকরাই বিকাশ করবে। বিকাশ তো নেই, বিকাশ মারা গেছে তো। তো মেরে হিসাব সে শায়দ ইসকে আন্দার অয়েল হ্যায়। ये यहाँ पे शायद रुकने वाली है अभी। तेल का ही तो गाड़ी सब है ना, डब्बा सब। सब एक्चुअली एक टाइम पे क्वार्टर्स वगैरह था, मतलब जितने भी रेलवे एम्प्लॉयज हैं शायद वो लोग का रहने के लिए यहाँ पे बनाया गया था, पर कोई आया नहीं और ये सब यहाँ पे खंडर बन चुका है जहाँ पे शायद भूत भी नहीं आना चाहेंगे अभी। जो वहाँ पे आप लोगों ने वो खंडर क्वार्टर्स देखा, वहाँ पे अगर इंसान रहते तो वो कुछ ऐसे दिखती, पर वहाँ पे कोई रहता नहीं है तो इसलिए वो वैसे दिख रही है। तो अभी तो बज रहे शाम के 5 और अभी हम लोग निकल रहे, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सनसेट ऑलमोस्ट हो ही गया है। यहाँ पे रास्ता में कोई लाइट्स है नहीं तो इसलिए हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, तो यहाँ से फटाफट हम लोग निकलते हैं। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू गाइज इन दी नेक्स्ट व्लॉग।